तो झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए महज अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में राजनीतिक दल लगातार चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। जेवीएम के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि जब राज्य में बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार की अच्छी व्यवस्था होगी तो प्रदेश से गरीबी भी दूर हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने लोगों से जेवीएम प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील भी की। इसलिए मैंने आप सब लोगों से कहा, ठगने वालों को सरकार बनाइए, आप ये ठगने वालों को मत दीजिए वोट, लूटने वालों को मत दीजिए। अगर आप ठगने वालों को आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके इस क्षेत्र में विकास होगा, सिंचाई की सुविधा होगी, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी, अस्पताल की अच्छी स्थिति होगी, तभी इस राज्य से गरीबी दूर होगी। यही मैं कहने के लिए आया हूं।